अनु तो चलते हैं हम यहाँ से सीधे घर, कर लेते हैं जय बाबा की फिर से। स्कॉर्पियो से मतलब बाहर इतनी हिम्मत किसकी है। अच्छा सर, लाइट कितनी प्यारी लग गया है। और एक मिस्टेक हो गई इसमें, एक बल्ब पर शायद से शॉर्ट। इनको भी अपन ने अभी चारा डाल दिया है का। हमें को मतलब समझ रहा हूँ ना, निकलने की तैयारी। सुबह सुबह है और क्या बोलती पब्लिक, कटिंग किसी का लग रही है, बाल तो जम गए। ये मंगलसूत्र अंदर कर लो। तो अभी निकलते हैं यहाँ से सीधे, यहाँ रोज निकलते हैं गाड़ी पे यार। अब पता लोग हरकतें करेंगे ऐसे, और जम जाती ना, जम जाती तो उस पर कुछ लिखना पढ़ना सब इसी पे होगा। पूरी गाड़ी चेक करता हूँ सुबह सुबह, कहीं कुछ हो नहीं। चलो निकलते हैं ऐसे और अपन करते हैं गुड मॉर्निंग। अपन करते हैं गुड मॉर्निंग गाइस। तो किसे क्या है, आप बड़ों को राम राम तो छोटों को नमस्कार। और यहाँ जाते हैं रोज, वहीं जाएंगे बोला ना, अभी तो यही चलेगा। पर अच्छा है ना यार, आप लोग को देखने को मिलता कुछ नया नया। मैंने जय बाबा की कर लो दोनों बाबा जी उनको, और अच्छी खासी जम रही गाड़ी में, पता समझ में नहीं आ रहा टेम्परेचर इतना था नहीं तो कैसे हो गया। हमारे उधर फ्री गड़े भी इतना कुछ रन शर्मा का लंबे। अरे भाई भी अब निकलते हैं, अब यहाँ से सीधे स्पीड पकड़ लेते हैं। हाँ सीट पर बिना सीट बेल्ट पे। और भाई जो भी कमेंट्स करता है ना, मतलब मैं कोई जो भी अच्छी कमेंट लगती है मैं खुद ही डाल देता हूँ वीडियो में। मैंने जिनकी पढ़ी मेरे को अच्छा लगा, मेरी गाड़ी की तारीफ कर देता हूँ, अच्छा लगा तो मैंने डाल दी। ऐसा नहीं है जो भी, मतलब मेरे को जो भी कमेंट अच्छी लगती है ना वही मैं डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी, अब बहुत से लोग तो गाली भी दे देते हैं, हालांकि मैं उनको रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं भी सोचता हूँ ठीक है यार देने दो, क्या है कि आप क्या, आपका काम आपको अच्छा लगना चाहिए दूसरों को नहीं। दूसरा तो देखो कमी निकालेगा, निकालने दो। अब मैं उसको गाली मैंने दी नहीं, मैंने डिलीट कर दी, मतलब मैंने उससे गाली ली नहीं तो मेरी हुई ही नहीं गाली। ये बात है कि अपन क्यों लो भैया, किसी की मुड़ता तीर नहीं देता मैं। वही जो भी मतलब देखेगा ना फिर से वो बोले हाँ देखो बेशरम इंसान है, गाली दी लिख दी उसने, मैंने डिलीट कर दी, उसने फिर लिख दी, मैंने फिर डिलीट कर। मैं डिलीट इसलिए कर देता हूँ कि मेरे को उसको देख के ज़्यादा गुस्सा आ रही ना, हम अपना गुस्सा कंट्रोल करने के लिए गाली ही डिलीट कर देता हूँ। तो ये चीज़ है। हाँ भैया निकल जा, निकल जा पहली फुर्सत में, रुक मत जाना कहीं पे भी। भाई साइड में से हरन दवा तो निकल रहा, बोला भैया निकल जा पहली फुर्सत, रुक मत जाना गलती से भी। तो चलते हम यहाँ से सीधे टाइमलेस बनाते हुए। सडनली अपना प्लान हो चुका है कि मैं थोड़ा सा ना आज शनिवार भी है तो मैंने रंजीत हनुमान मंदिर के पास ही हूँ मैं ना, घूम के आ जाते हैं मंदिर भी आज। ये अपने बाबा जी, ये तो मतलब जो मेरे घर के है ना उन्हीं की फोटो है, ये बोल्ड की है। तो बच्ची स्कूल जा रही है, पता कभी कभी तो ऐसा लगता है अभी स्कूल की बस जब निकलती ना तो याद आती है क्या करें। अरे बाल तो ठीक है, एक दो दिन सेट होने में लग जाएंगे सब सिग्नल पर। मेरा धूप सेक रहा है। ये देखो स्कॉर्पियो से मतलब बाहर इतनी हिम्मत किसकी है। ये अच्छा सरदार जी हमारे कुछ हो रहा है सरदार भाई है।
इधर भी पता पुलिस वाले भी खड़े हैं, ऐसा नहीं है। कौन उलझेगा भैया, उनको भी पता है ना। हालांकि उनका कोई त्यौहार होगा भाई, ऐसे नहीं हो कोई कर सकता है, ऐसा इंदौर है। पर कभी कभी इंदौर में ना पुलिस वाले भी आलसी खा जाते हैं, हाँ कहाँ से निकालते हैं, निकल जाए तो भाई एक से एक बढ़कर एक है यार। अब दिख रहे ना ये लोग निकल रहे हैं यहाँ से, तो भी पूरे कैसा सजा रखा है। तो अभी कुछ था ना विशाल फेरी, वो कल परसों, कल भैया परसों में थी, सॉरी हाँ कल सुबह 5 बजे की थी। तो मैं तो मतलब मेरे को सवेरे इधर आना था, तो मैं कल आ नहीं पाया था, थोड़ा सा ध्यान से उतर गया था। तो मैंने ठीक है यार आज हो गए थे, निकलते हैं यहाँ से। दोनों भाई कैसे खुश हो रहे हैं, तब वो निकलते हैं यहाँ से, तब ले लेते हैं। हमने क्या गाड़ी में पढ़ लिया, फिर हाथ दिखा के यार निकल जा भैया। एक चीज समझ में आती, गाड़ी में पलटा रहा, दिख रही है सामने वाले को, बस घुस जाना है कैसे ही करके। अपन चलो गाड़ी को तो पार्किंग में लगा के आएंगे अंदर। अड़िया 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 ये मंदिर का बहुत बड़ा रहस्य देख के मोड़ ले। तो ये रंजीत हनुमान जी की जो यात्रा थी, इससे निकली थी कल हनुमान जी की यात्रा पूरी। वो तो निकलते हैं अंदर दर्शन करके आते हैं। अभी शनि मंदिर भी हो गए, और यहाँ मैं जाऊँ वहाँ पे बाबा ना हो ऐसा थोड़ी नहीं होता। काल गुरु बाबा का मंदिर भी मिल गया। और पता है एक चीज़ तो गलत है आ रही है, तो वो हनुमान जी की जगह को भी लोग गंदा कर रहे हैं। ऐसे लोगों तो पकड़ के बजरंग दल वालों, ऐसे लोग उनको ना यार सोचना चाहिए कि आप मंदिर आते हो यार, वो भी हनुमान जी की, गलत चीज़ है, ये नहीं करना चाहिए ना। चलो क्या है, बोलने से कुछ नहीं होना, आरती में शामिल हो जाते हैं। कि आपने देखा होगा आरती में, मतलब जितने भी लोग हैं ना, मतलब उसमें बोले जा रहे जय रंजीत। और अगर आप खड़े हो, आप मैं भी इच्छा करूँगा ताली बजाने, तो भी ताली बजाना पड़ जाएगी। मेरी भी ऐसे था, मैं तो मतलब घूमते फिरते मैंने खड़े होकर दर्शन करके निकलूँगा भाई साहब, इच्छा ही नहीं हो रही है, इतना अच्छा मन लग गया। ये है चमत्कार, सब अलग अलग रहता है, मेरा तो मन लग गया यहाँ पे, मैं थोड़ी देर से निकल के आया हुआ अभी भी। मतलब यहाँ पे क्या वो सैटरडे ना, मेरे जूते कहाँ चले गए, अरे उल्टी कर दी लोगों ने। चलो यहाँ से, यहाँ पे आओ सिंदूर देख के लगाओ, ये अंदर से जाता है। चलते अब मिलते हैं आगे, अपने बाबा के मंदिर जाना काल भैरव, मिलते हैं फिर आगे। धूप इतनी देर पड़ रही है, समझ में नहीं आ रहा, ठंड है कि गर्मी है। रात को मतलब मैं 2-2.5 बजे जगा था, तो भी पंखा चालू करके फिर सोया, मुझे हालत है। तो ये अपने इसमें शीला यहाँ पे भंडारा भी हुआ था यहाँ पे, अच्छा मतलब हर साल होता है यहाँ पे। और भैया बानर सेना खुद आ गई थी यहाँ, और जो इंदौर का होगा उसको तो पता है कि यहाँ की क्या खासियत है। भाई साहब जो बाहर का व्यक्ति ना, एक बार आना जरूर है यहाँ रंजीत हनुमान मंदिर। आप गूगल करना, गूगल पे भी पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, अपन तो निकलते हैं यहाँ से। डिजिटल इंदौर, वो डिजिटल इंडिया के चक्कर में भीख मांगना पड़ गई 20 रुपये की, मतलब उनको ऑनलाइन करा मैंने, दुकान वाले रखते नहीं है। तो इधर गौशाला थी, डाल देते यार गौशाला को। लो दादा आपने सही बोला, मैंने सिर्फ उनको भी अपन ने अभी चारा डाल दिया है। मेरे को मतलब अच्छा लगता है, गांव की याद रहती है ना, तो कभी गौशाला बहुत पसंद है घूमने। जो नंदी महाराज किस और है, जय हो नंदी। हाथ लगा दूँ मैंने घास के लिए ना, आपको घास के लिए ना आपको, तो हाथ तो लगाने दो, हाँ मारना मत। ओ नंदी नंदी नंदी,
हाँ हो गया, वाह हो गई बेटी, नन्नू ले, वाह हो गई। अब निकल रहे हैं यहाँ से, तो भाई ये अंकल अंकल मान ही नहीं रहा, अपने वालों कितना काटना पड़ेगा। ऐसी दिक्कत बहुत आ रही है यार रोज की, कोई ना कोई कहीं ना कहीं, अरे क्या बोले अब इसको, क्या बोले, कभी कभी तो अपनी भी गलती कर देते हैं। हाँ मेरा भाई, नहीं यार मैं तो कर लेता हूँ, मैं ना गलती करता हूँ तो देख भी लेता हूँ कि हाँ गलती करी। जैसे अभी गलती करा, सीट बेल्ट ही पहन रहे हो तो आप लोगों से बात करने लग गया, तो दो मिनट आपको मैं रोकता हूँ, मैं फिर आता हूँ सीट बेल्ट पहन के। हाँ ठीक है, कोई रुकेगा नहीं, कोई टकेगा नहीं, ना पुलिस वाला रखेगा ना टकेगा। ये भाई पता अपनी गाड़ी पे निब्बू मिल रहा, नहीं 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 आ पाएगा, अपन ने पहले रोक लिया उसको, इधर ही गाड़ी छुपा ली। मैं तो क्या, वो शनि मंदिर जाते ना हम लोग शाम को जाएंगे, देखते हैं उनसे मस्त दिन निकला चुका मस्त। ये वो सेट कर लो, गड़बड़ी हो रही है, ये बाल लेना है, जब तक तो बड़े नहीं होंगे जब तक तो ऐसे नहीं होंगे। हाँ देखते हैं, भीड़ कितनी लगी है, बहुत भीड़ हो जाती है यार। चलो निकालें यहाँ से भी। तो अपन आ चुके हैं घर पे, इसको इधर खड़ी कर दी है, और गाड़ी कितने ना वही लेना चाहिए इसको, आप पलट के दोबारा देखो, मैं भी देखता हूँ ऐसे करके, अच्छी लगती है यार क्योंकि अपन ने बनाई इस प्रकार से। तो हमारे लोग खाना ना खाते हैं, हुआ तो उसको धोते भी आज, गंदी हो रही है क्योंकि हुआ तो शाम को घर वाले शनि मंदिर भी जाएंगे। ओह मेरी मम्मी फोन पे लगी रहेंगी, ये लड़ाई। चलो मम्मी बात कर रही है, बात कर रही है अपन। आज तो बचपन वाली चीज़ याद आ गई, पन्नी की पतंग आई, वो आई छत पर तो मैंने उठा कर उड़ा दी उसको, कैसी जा रही है ऊपर ऊपर नहीं जा रही, नीचे नीचे घूमती रहती, बहुत कागज़ की पतंग से उड़ती यार, पन्नी की बेकार होती है यार। ओए कांगी कांगी, और नीचे आ गई रे ये तो। चले जाओ ऊपर, और टंकी के पार ही उड़ रही है अभी। फोकस ही नहीं कर पा रहा था, और एक पतंग और उल्लू ही मैंने लाइट वाली है, अभी आने वाली होगी वो लाइट वाली होगा, आपको अंधेरे में भी दिखेगी बड़ी सी। अपने वो देखो ये आ गई अपनी लाइट वाली पतंग। ये पतंग अपन ने बुलवाई है, लाइट से चलती है, पेट्रोल से। पतंग नहीं चले इस पतंग में, यह पतंग अपनी छत के पास से निकलती रोज, पीछे भी दो दो पतंग उड़ रही है, इधर कोई नहीं आगे नहीं आ रही है, पीछे आएंगे सब उड़ उड़ के देखते। हालांकि गाड़ी मैंने क्या दिन में साफ कर ली थी, पर वीडियो नहीं बना पाया था, कारण यह था कि मोबाइल की बैटरी पूरी लो हो गई थी। रात बाबू भी जा रही है शनि मंदिर, तो मैं ले आया क्योंकि मम्मी भी आ रहे हैं, तो मैंने इसको ले के चलते हैं, उसको ले के आ गए, वो लोग आते हैं जब तक वेट करते हैं हम। अभी क्या दर्शन कर लिए शनि महाराज के, तो इस पे क्या कॉपीराइट आएगा क्योंकि भजन चल रहा था वहाँ पे, तो मैंने ना उस पे दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक डालूंगा। तो ये हमारे हनु जी को देखो, ये भी शनि दर्शन करके आई है। बाबू आय नोरई हनु, तो चलते हैं अब यहाँ से सीधे घर, कर लेते हैं जय बाबा की फिर से। मात्र ये दाल के चक्कर में पैदल गया मैं थोड़ी दूर, गाड़ी अपनी यहीं पर खड़ी कर दी थी मैंने मेन रोड पे, पार्किंग लाइट कितनी प्यारी लगती है। और एक मिस्टेक हो गई, इसमें एक बल्ब शायद से शॉर्ट हो गया इसका,
वैसे पूरी तो चलना चाहिए ना, ना अभी तो कोई दिक्कत नहीं है तो चलेगी। अब यहाँ से निकल लो, पहली फुर्सत में तो यहाँ से निकल रहे हैं, चलते हैं सीधे घर। इसको इतनी रात को खेलना आता है, टाइम कितना हो रहा है 11:30, और उसको अब खेलना। वीडियो को करते ही पेंट, क्योंकि अब वीडियो एडिट भी करना है, टाइम भी हो गया 11:30। जब तक हनु भी खेलते रहे तब तक मेरा वीडियो भी एडिट हो जाएगा। हम दिखाते हैं सुबह आपको वीडियो 7 बजे 8 बजे जैसा भी होगा दिख जाएगा। ठीक है, मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री राम, सभी को बाय।